अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो भाई आज का सीन ये, आज हम जा रहे हैं फाइनली अपनी अकॉर्ड की थोड़ी इंटीरियर मॉडिफिकेशन करना, क्योंकि बाहर से तो गाड़ी तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई, अब अंदर से थोड़ा हमने छोटे मोटे मॉडिफिकेशन करवानी है। और हमने जो हमारी ब्लू बड़े सिविक ई के उसको हम थोड़ा सा हल्का था, तो पीछे से थोड़ा कैम्बर्ड कराने, क्योंकि भाई क्योंकि जो गाड़ी का पिछला टायर है वो बॉडी सा लग रहा है, और जिसकी वजह से हमारा पेड़ नहीं फटा। बिना किसी देरी के चलते हैं ब्लॉग की तरफ। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आईडी मेरी आ रही होगी। चलते हैं सीधा ब्लॉग की तरफ। भाई गाड़ी में हम लोग आ चुके, क्योंकि मैंने आपको दिखाने अपनी गाड़ी में जो हमने इंटीरियर किसी मॉडिफिकेशन करानी है। एकॉर्ड में हम लोग अपनी मौजूद हैं, ब्लू बर्ड में नहीं है। इंटीरियर मॉडिफिकेशन किसकी चीज़ दिखाऊँ, तो भाई ये हमारा स्टेयरिंग स्टिच कार्बन फाइबर स्टेयरिंग स्टिच है। जैसे आप लोगों ने कुछ लोगों की गाड़ियों में भी नया नया ट्रेंड देखा होगा, ये कार्बन फाइबर स्टेयरिंग स्टिच होता है, क्योंकि इसके स्टेयरिंग का आप लोगों ने देखो पुराना स्टिच हमने उतार दिया। इसका स्टेयरिंग विदाउट स्टिच भी अच्छा लगता है, लेकिन जो कार्बन फाइबर है उसकी भाई लुक ही अलग होती है। क्या हम लोग सीधा चलेंगे कैम्बर्ड कराने, इसको खड़ा करके हम लोग अपनी ब्लू बर्ड निकालेंगे, उसको सीधा कैम्बर्ड हल्का सा कैम्बर्ड कराने, इतना नहीं कि पूरी फिटमेंट ही बैठ जाए। मेरा फिटमेंट तो बैठी हुई है, इतना नहीं कि जितनी लो गाड़ियाँ पाकिस्तान में आप लोग देख रहे हो उतनी होती है। अरे कहना क्या चाहते हो, हल्का कैम्बर्ड कराना ताकि टायर और पेंट दोनों बच जाए। अभी हम लोग घर आ चुके हैं, क्योंकि आधा काम इसका हो गया। अब हम लोगों ने इसकी गाड़ी जो हमारी ब्लू बर्ड है, हाँ ये कर लो पहले, उसको हमने बाद में निकालने, उसको हम लेके जाएंगे कल या परसों तक कैम्बर्ड कराने। अभी मैं आप लोगों को गाड़ी के स्टिच और हमने गाड़ी के ऊपर पीछे हमने एक रिफ्लेक्टर होते हैं, एलईडी रिफ्लेक्टर होते हैं, वो आप दिखा दूँ कैसे लग रहे हैं। पहले स्टिच दिखा दूँ, फिर आपको रिफ्लेक्टर दिखा दूँ कैसे लग रहे हैं। ऊपर स्टिच माशाल्लाह से कुछ इस तरह के लग रहा है। अभी पॉलिश हमने लगाई तो थोड़ा गीला गीला लगेगा। कार्बन फाइबर स्टिच है, ऑनलाइन मंगवाया है ये हमने, ऑनलाइन हमें मिला कुछ 1800 का डिलीवरी के साथ। दूसरी चीज़ के ऊपर जाए रिफ्लेक्टर दिखाऊं, तो रिफ्लेक्टर में ऑन और हुए में रिफ्लेक्टर ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। एलईडी रिफ्लेक्टर है, आधा काम इसका हो गया, आधा काम हमारी ब्लू बर्ड का रहता है, वो हम कराएंगे कल या परसों तक, तो सीधा मिलता है कल या परसों। ये गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म कार है, अभी ब्रांड न्यू मतलब कंडीशन में। अंदर से आपको इंटीरियर दिखाऊं तो इंटीरियर भी टोटल जाए इसकी कंडीशन में। पुशी स्टार्ट वाली बिल्ड से स्टार्ट इसका ये लगा हुआ है, रेयर पैकेज होता है। इसकी हीटेड सीट दिखाओ, तो हीटेड इसकी ये ओनली ड्राइवर सीट हीटेड सीट है। इसको गाड़ी को स्टार्ट कर ले हम जरा। मीटर इसका आरपीएम वाला जो सादा मीटर होता है वो सादी बीट्स में आते हैं, इसमें नहीं है। ये फुल पैकेज है तो इसमें आरपीएम वाला मीटर आता है, इसमें मेन नहीं है। और इसका ये डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है इसमें, जो कि सादे पैकेज में नहीं आता। तो रेयर पैकेज गाड़ी का कलर के ऊपर है, गाड़ी का कलर बड़ा यूनिक है। गाड़ी का कलर है सियारा ब्लू, मैंने भी जब ये बिट्स खरीदी है तभी जाके इसमें देखा है। क्या बात है, गाड़ी के आज के कामों की तरफ है। तो गाड़ी का सबसे पहला काम जो हो रहा है, हमने गाड़ी की थोड़ी ट्यूनिंग कराना है, क्योंकि जब हम गाड़ी को थोड़ा पिक कर रहे हैं तो गाड़ी का साउंड जो ज़्यादा हो रहा है और गाड़ी जो चलने में थोड़ी घुट रही है। सामने इसका आधा काम जो है लगे आता हूँ हम लोग इसका एयर इंटेक भी लगा रहे हैं, जो कि हमारे पास पहले का पड़ा हुआ, तो वो अब जाके हम लगा रहे हैं। वो छोटा मोटा उसका हमें 5 मिनट में उसमें लग जाना है। उसके बाद हमने सीधा जाना है गाड़ी कैम्बर्ड कराने, क्योंकि पेंट की मैंने आपको सूरत हाल दिखा दी, गाड़ी का टायर लग लग के कैसा हो गया। थोड़ा सा भी पेंट होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें पहले पता चल गया, ये ना बाद में होता तो ज़्यादा पेंट होता था और ज़्यादा नुकसान होता था, ज़्यादा पेंट खराब होता था। इससे अच्छा यही कि हमने पहले ही कैम्बर्ड कराने का सोच लिया, क्योंकि हमने ऊपर तो करानी नहीं थी गाड़ी, तो ड्रॉप ठीक है, शायद हम बाद में फ्यूचर में और ड्रॉप कराएँ। तो आज के ये छोटे मोटे काम है, तो अभी चलते हैं सीधा गाड़ी के कामों की तरफ।
की आपको हालत दिखा दो, इंजन में हमने थोड़े मस्ती की, इंजन में की आपको दिखा दो, हमने जो एयर इंटेक था वो भी हमने लगा लिया। एयर इंटेक से हमारे होता है कि वो बाद में बताऊंगा आपको गाड़ी के इंजन में कैसा लग रहा है। ओके, सो अभी की सूरत है आल पे है तो कैम्बर्ड हमारा हो गया है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना आप लोग सोच रहे हो गए, बिल्कुल हल्का सा कैम्बर्ड हुआ था ताकि हमारा पेन और टायर दोनों बच सके। अच्छा, फिटमेंट है कैम्बर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन उतना कैम्बर्ड हमारा हो गया कि हमारा पेन और टायर दोनों बन सके। ठीक है, जो फिटमेंट है कैम्बर्ड हो तो उसके लिए आपको चाहिए तो कैम्बर्ड किट्स, ये इसका नेचुरल कैम्बर्ड आप एक तरह का समझे। समझ गया, थोड़ा सा कैम्बर्ड है मतलब ना होने के बराबर ही है। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं हों की उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, मतलब यह हों की इन्होंने तकलीफा नाल डील करना होंगे। बिल्कुल अच्छा, बट कैम्बर्ड है। बाकी आप लोगों को मैं घर में जाकर डिटेल में बताता हूँ, तुझे जितने मिलते हैं घर पे। ओके सर, हम लोग घर अभी आ चुके हैं, अकॉर्ड हमारी ये खड़ी, ब्लू बर्ड हमारी आगे खड़ी है, अकॉर्ड के अंदर न्यू फॉग लाइट्स ली थी वो हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, और ईके का भी हम लोग बताता हूँ आप लोगों को क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ईके का आप लोगों को इंजन में दिखाता हूँ। ईके का इंजन में कुछ इस तरह का लग रहा है, इसके इंजन में हमने अभी और क्या अपडेट किया, तो इसके इंजन में हमने लगाया है एयर इनटेक, बाकी और कुछ नहीं किया। Meanwhile, me with the viewers. अबे ये कहाँ से आ गया? साले कुत्ते! Views. अरे मेरा! साले तूने! Views. Fog lights के ऊपर जाएं तो fog lights अभी कुछ इस तरह की लग रही हैं। ये white color है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीला, yellow, उसके हमारे पास blue, उसके बाद pink. उसके हमारे ऑल कलर सारे एक साथ चलना शुरू हो जाएंगे। छोटा सा सचका था लेकिन मजे का सचका है, तो हम आप कोई भी अपनी तरफ अपनी मजे का कलर रख सकते हैं। और इसी तरह से हमारे आज के ब्लॉग के लिए बस इतने ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आईडी मेरी यहाँ आ रही होगी। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर लो, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ काफ़ी लोगों जो मुझे सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हो, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे इस चैनल को, जल्द से जल्द 1K तक लेके जाने रहा नहीं जाता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।